बंधुओं से ब्राह्मणों को भोजन करावे, पश्चात स्वयं भोजन करे, गीत आदि का आचरण कर सत्यनारायण भगवान और ये देखिए कितने विधि विधान से हमारे यहाँ पूजा होती है। तो हम साल भर में सत्यनारायण की कथा करते हैं तो बड़े विधि विधान से पूजा करते हैं। तो बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। तो आप लोग बताइएगा पूजा आप लोगों को कैसी लगी। और बेटे का पेपर भी चल रहा था, बेटी का पेपर चल रहा था, तो मैं उतने करती हूँ जितने हर साल करती हूँ। कोई ऐसा नहीं है कि मैं कम करूँ कि ज़्यादा करूँ। जिसके कहते हैं जितना भाग में होता है उतना हो के रहता है, तो वही है। मैं किसी का समझ नहीं करती हूँ, ये आप सबको पता हो गया मेरी वीडियो देख के। तो ये देखिए ये है डेकोरेशन वगैरह, तो ज़्यादा डेकोरेशन भी नहीं की हूँ। और ये एनसी परी भी है, केक काटने में सबको बुलाई थी मैं, तो वही है। सबकी पिक्चर भी है तो आप लोग देखिए और केक खाइए सब लोग हमारी यूट्यूब फैमिली। और बताइएगा कैसी लगी मुझे। तो वही है, ज़्यादा बड़ा फंक्शन नहीं ना ज़्यादा छोटा है, पर ठीक ठाक है। अपने बजट में हमेशा करना चाहिए, किसी का समझ नहीं करना चाहिए। मेरा आज से नहीं शुरू से वीडियो में यही कहना है। और इन्जॉय करना चाहिए, खुश रहना चाहिए, मस्त रहना चाहिए। और हमारे बच्चे को सब लोग आशीर्वाद भी दीजिए। ये हमारी दीदी है, दीदी को भी दिखा दिए हैं। तो यही सब चीज़ें हैं। और ये देखिए हस्बैंड भी हमारे हैं, तो बेटे को केक खिला रहे हैं हम लोग। मैं तो सबको कहा बोला करती हूँ सब लोग मेरे बेटे को आशीर्वाद दीजिए आज के दिन और केक खाइए। तो ये है शशि दीदी और सत्या दीदी को दिखा दी हूँ, दीदी अमर पाटन की है। तो और ये कविता, कविता के हस्बैंड हैं।